ना मेरे का रहते कोशाले में, मेरा नाम अमर कासू है। और आज हमने पानी जनाब कोई 30-40 साल के बाद जिन्हें हमने देखा इधर पानी शुक्र है लाया सरपंच हमारा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट की भैया से शुक्रिया है। जिसमें बहुत दूर जाते थे 3-4 किलोमीटर पानी के लिए जाते थे हम लाने के लिए, और गागर बड़ी बड़ी कोड़ा पर लिया, आज तो बहुत बहुत शुक्र है जनाब। दो टाइम पानी आता है हमारे, शाम को भी और सुबह भी, और जल जीवन की वजह से हमें पानी मिला है, वो शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक है, इतने साल से बाद हमें पानी मिला है, बहुत फायदा हुआ है। पहले हम टोर कर जाते हैं, सिर भी हमारा बाहर निकल गया टोर टोर के पानी, अब तो हमें बहुत फायदा है। बच्चे हमारे भी आराम कर रहे हैं, हम भी आराम कर रहे हैं, फायदा नहीं तो और क्या है। अब बच्चों को बहुत आराम हो गया, अपने आप को भी आराम हो गया, पानी टोर के लाते हैं 2-3 किलोमीटर, आज तो आराम है बहुत। दो टाइम पानी आता है, और शाम को भी सुबह भी, बहुत अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, और गवर्नमेंट का डीसी साहब और हमारे सरपंच उनकी बहुत बहुत। पानी आ रहा है इस वक्त जल जीवन मिशन से, और इस वक्त हमारी माँ बहनें जो भी हैं, मतलब घर में ही पानी है 4 किलोमीटर से दूर से, नहीं तो हम दूरी से लाते थे, और इसलिए हम इस वक्त हम दूर नहीं जाते हैं पानी लाने। जो जल जीवन मिशन आया है, हम प्रेम मिशन के शुक्रगुजार हैं, और LG साहब के शुक्रगुजार हैं। ये जो जल जीवन मिशन आया है, हम इस वक्त वाशरूम भी यूज़ कर रहे हैं, और नहीं तो हम वॉशरूम यूज़ करने के लिए हम थे ही नहीं, फिलहाल पानी नहीं आता था, अब हमें पानी भी आ रहा है, वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, यूज़ हो रहा है। जी मेरा नाम सपूरा है। हम पानी बहुत दूर से लाते थे, पानी हमें पीने के लिए मिलते नहीं था, इधर हमारे पानी है, तो हमें ये टाइम भी बहुत अच्छा मिला है, पानी नहीं मिलता ही नहीं था हमें पीने के लिए, बहुत दूर से लाते थे हम पानी। दो टाइम बाद पानी आता है इधर, सुबह भी शाम भी, 1-1.5 घंटा लगता था हमें पानी लाते, एक फेरा लाते, 4 फेरे लगाते थे, हम माल को भी देते थे, पीने के लिए भी लाते थे। बहुत फ़ायदा हुआ हमें पानी का, और कपड़े धोते हैं, बाथरूम चलाते हैं, सब्जी भी लगा लेते हैं, हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। सर मैं नीरज इंचार्ज हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुरशाला से हूँ। अभी जो हमें पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर चश्मा जो बहुत ज़्यादा दूर था, जिसकी वजह से जो है पानी हमें नहीं मिल पा रहा था। अभी बच्चों को काफ़ी मुश्किलात आ रही थी, वॉशरूम बंद पड़े थे, और जो मिड डे मील की स्कीम है उसको भी हम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, पीने का पानी बिल्कुल यहाँ पे नहीं था। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं PHE डिपार्टमेंट का, जिनकी स्कीम्स जल जीवन मिशन स्कीम से जो है अब पानी यहाँ पर पहुँच गया है, हर घर में पानी है, हमें जो है वॉशरूम जो फंक्शनल नहीं थे अभी वो भी फंक्शनल है, और मिड डे मील का जो उसमें भी प्रॉब्लम आती थी वो भी अच्छे से फंक्शनल हो रहा है। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से जो है अभी हमारा जो, नहीं तो हम मोस्टली जो डिपेंड था वो नेचुरल जो बारिश वगैरह पे लोग डिपेंड होते थे, लेकिन अभी जो है हमें पानी जो है प्योर वाटर जो है पीने के लिए पानी मिलता है। धन्यवाद करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, और DC साहब का, और जितने भी PHE डिपार्टमेंट उनका, जिनकी वजह से जो है हमें जो एक प्योर वाटर जो है यहाँ पर पीने के लिए मिला। मेरा नाम अनीता कुमारी, पंचायत सरदार की सरपंच हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ सरपंच बनी थी तो मतलब लोगों का यही कहना था कि मैडम हमारे पास पानी नहीं है, हमें पानी नहीं, हम क्या करेंगे, हमें मतलब ये जो मुलाजिम है ये पानी नहीं देते हैं। तो जब से ये हमारी स्कीम लॉन्च हुई थी, ये धंधराट रंड गली की, ये JJM में उसी का एक पार्ट था, लेफ्ट आउट ये था कुरशाला, इस ये 9 वार्डों में से एक वार्ड था, मतलब इसको बहुत दिक्कत थी पानी की। ये 4-5 महीने से मतलब यहाँ एक छोटा सा रिजर्वायर बनाया गया, तो तब से मतलब हर घर में पानी जाता है, अलग अलग कनेक्शन दिए गए हैं हर घर में। तो ये लोगों, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, क्योंकि यहाँ पर माल मवेशी हर घर में 2-3-4 जानवर तो होते ही हैं, और क्योंकि यहाँ के लोगों को मतलब पानी की बड़ी मुश्किल थी, क्यों यहाँ की औरतों को दूर 3-4 किलोमीटर ये बाल्टियाँ लेकर पानी को जाते थे, माल मवेशियों के लिए भी पानी लाना पड़ता था। आज
आज मतलब इस स्कीम से उनको इतना बेनिफिट हुआ है कि हर घर में नल और हर घर में जल जीवन मिशन के तहत ये एरिया कवर किया गया है। तब से मतलब सब लोग शांत से अपने अपने घरों में काम करते हैं।